कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और फ्रेंड्स, कल जो मैंने सारा किचन का सामान तो कल सब साफ करके रख दिया था, पर मैंने किचन में सारा सामान सेट नहीं किया था, तो आज मुझे किचन में पूरा सामान सेट करना है, सारे डिब्बे डिब्बी सब लगाने हैं। और यहाँ पर मैंने ये रंगीन पेपर बिछा दिए हैं, जो ये इस बार बैगनी कलर के लेकर आए थे और बैगनी कलर का ही पेंट है तो मैच हो रहे हैं। और मैंने हल्का फेविकोल से इनको चिपका दिया है, इनके जो कोने हैं वो थोड़ा थोड़ा सा फेविकोल लगा दिया ताकि ये निकले नहीं। और बस अब मैंने सामान लगाना स्टार्ट कर दिया है। और इस बार मैंने कटिंग करके पेपर नहीं बिछाए हैं, वैसे हर बार मैं कटिंग करके पेपर बिछाती थी, पर कटिंग करके पेपर बिछाने में अच्छा तो लगता है लेकिन वो ना फट जाते हैं और हवा चलती है तो उड़ते भी हैं, तो वो तुरंत ख़राब हो जाते हैं, नीचे से उनकी पूरी कटिंग फट जाती है। वैसे तो मैं कटिंग करती लेकिन फिर नहीं की है मैंने। और बस अब मैं फटाफट से सामान लगा लेती हूँ। और ऐसे भी प्लेन भी अच्छा लग रहा है, कटिंग से भी अच्छा लगता था, प्लेन भी अच्छा लग रहा है। प्लेन ये है कि ज़्यादा दिन ये अखबार चल भी जाएगा पेपर और फटेगा भी नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा मैंने लटकाया नहीं है नीचे तक, बस थोड़ा सा ही हल्का सा बस निकाला है बाहर। उस साइड जितने डिब्बे थे स्टील वाले वो सारे मैंने वहाँ सेट कर दिए हैं, और बाकी के जो कांच के बर्तन हैं, कटोरी और कप ग्लास, ये सारी चीज़ें मैं इस साइड सेट किए दे रही हूँ, क्योंकि इस साइड थोड़ा यूज भी कम होता है तो ये गिरेंगे नहीं। उस साइड से खाना बनाते टाइम डिब्बा वगैरह निकालते हैं, सामान निकालते हैं, तो गिरने का भी डर रहता है। और बस वहाँ का तो सेट हो चुका है, इस वाली अलमारी को भी अब सेट कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भी फेविकोल लगा दिया है तो अच्छे से पेपर चिपक गया है। और इस बार मैंने कप ना पहले वहाँ रखती थी जहाँ पर कटोरी वगैरह कांच की रखती थी, लेकिन इस बार मैंने कप वगैरह यहाँ पर लगा रही हूँ और सही भी लग रहा है इस जगह पे, तो चाय वगैरह बनाओ तो यहाँ से ही निकाल लो। नीचे वाली अलमारी में जैसे कि पहले ही मसाले के डिब्बे रखे रहते थे, इसको नहीं चेंज किया है, सेम टू सेम जैसे पहले रखे थे बस उसी जगह पे सारे मसाले के डिब्बे रख दिए हैं, क्योंकि ये सही है मसाले के लिए अलमारी। और नीचे वाली अलमारी अभी खाली है तो मैंने इसमें इंडक्शन वगैरह, इंडक्शन मिक्सी ये सब रख दूंगी तो ये सही रहेगा। और मुझे इंडक्शन के लिए एक अलग से बोर्ड लगवाना है, वैसे तो जो फ्रिज वगैरह का बोर्ड है उसमें मैं इंडक्शन जब यूज करती हूँ तब लगाती हूँ, इसके लिए मुझे अलग से एक बोर्ड लगाना है। और किचन टॉप के नीचे ये बाल्टी आटे की और चावल की ये सारी टंकी वगैरह रख दी है मैंने। और फ्रेंड्स, फाइनली मेरी किचन सेट हो चुकी है, पूरा सामान किचन में लग चुका है। और ये देखिएगा, इस साइड मैंने लगा दिए हैं जो कांच के बर्तन थे, कटोरी ग्लास वगैरह ये, फिर कुछ मसाले के डिब्बे और ये कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, और इस साइड सारे स्टील के बर्तन हैं, स्टील वाले डिब्बे। और यहाँ तो जहाँ गैस रहती थी वहीं सब कुछ है, वैसा ही है। और ऊपर कुछ इंडक्शन का डिब्बा वगैरह रखा है, और ये जो जो वाइट कलर का डिब्बा दिख रहा है उसमें कुछ बर्तन है। और इस साइड तो इस तरीके से लगाया है, और इस साइड अलमारी में कप, प्लेट, ट्रे, कटोरियाँ और ये तवा वगैरह
और नीचे मसाले के डिब्बे ये लगा दिए हैं, और सबसे नीचे वाले में इंडक्शन, मिक्सी और कुकर और सब्जी की डलिया वगैरह। तो मेरी किचन फाइनली पूरी सेट हो चुकी है, और जो बस अभी मंदिर और सेट करना है, क्योंकि मंदिर अभी सेट नहीं हुआ है। तो मंदिर मैं देखो थोड़ी देर में करती हूँ। और बाहर वाले कमरे की भी पुताई हो चुकी है, तो ये बोरियां इन्होंने साइड निकाल कर रखी थी पोतने की वजह से, तो यहाँ पर जब तक रखी रही है जब तक वहाँ पुताई की, फिर सूखा भी, तो अब तो सूख गया है उस साइड। तो यहाँ पर ये बांध कर पूरी बोरियां सेट करेंगे, जहाँ वो पहले रखी थी वहीं दोबारा से सेट कर देंगे। मेन गेट में जो बाहर दीवारों में पुताई करनी थी वो भी हो गई है, काफी अच्छा लग रहा है। पुताई होने के बाद में बहुत अच्छा लगा करता है। और पुताई तो सब जगह हो चुकी है, पर अभी गेट में पेंट करना तो बाकी ही था। तो यहाँ पर जो बाहर वाला गेट है तो ये पेंट कर रहे हैं, और अंदर वाले दोनों गेटों में, किचन के और कमरे के गेट में, मैं पेंट करूंगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ, और अंदर से तो वो साफ ही था, अभी कुछ दिन पहले ही साफ किया, इतना गंदा नहीं था, फिर भी मैंने पोंछ दिया है। और बाहर से थोड़ा गंदा हो रहा था क्योंकि दिवाली की सफाई हो रही है, तो धूल मिट्टी काफ़ी इसमें बैठ गई थी, तो ये मैंने अच्छे से गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और इसको किचन में सेट करवाना है। यहाँ पर मैंने किचन के गेट में और खिड़की में पेंट कर दिया है, और जो कमरे का गेट है वो भी पेंट हो चुका है, तो मैंने इन दोनों गेटों में तो पेंट कर दिया है। बस अभी कमरे की जो खिड़की है वो रह गई है पेंट करने को, तो मैं उसमें कर रही हूँ। और जो गेट का ही पेंट बचा था वो मैंने अगल बगल खिड़की में कर दिया है, और बीच में सिल्वर कलर किए दे रही हूँ। और आज है 21 तारीख और कल है 22 तारीख, धनतेरस है कल, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और फ्रेंड्स किचन वगैरह तो सब सेट हो गई है, और बस ये वाला कमरा रह गया है, तो इसको बस थोड़ा सा साफ करना है, जो अलमारी वगैरह है, ये टेडी या गुलदस्ता वगैरह, ये हल्के साफ करके बस लगाने हैं, तो ये मैं कल करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नई ब्लॉग यूँ ही मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।